आपके पास उस टॉपिक से पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी टीचर उस चीज को पढ़ा रहा हो तो आप उसको बहुत ही ध्यान से सुनो, और अगर आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से ही कोई इन्फॉर्मेशन है, सपोज आपने एक्स वाई जेड सेल्फ स्टडी की हुई है, पहले कहीं पढ़ा हुआ है, तो कहते हैं ना अपना ज्ञान अपने पास रखो, जो फिलहाल मिल रहा है उसको लो, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ बातें वो आपके ऐड करने वाला है उस चीज में, तो उसको ध्यान से सुनो। जब आप उस चीज को अप्लाई करोगे ना तो आप उस चीज में, उस पर्टिकुलर टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बहुत अच्छे बन जाओगे। जैसे मैथ्स में होता है, जब स्टूडेंट को ये पता भी होता है ना ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, तो हमेशा ज्यादातर स्टूडेंट का नेचर क्या होता है, हाँ मेरा तरीका ठीक है, हाँ अब सर का सुन लेता हूँ, सर क्या बताएंगे, सर कौन से तरीके से इसको सोल्व कराएंगे, फिर वो डिसाइड करता है हाँ ये वाला भी अच्छा है तो उसको भी वो ले लेता है। यही चीज उसको लॉजिक हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। अगर कुछ पता भी है तो बैठे रहो, शांत रहो, कुछ और नया आने वाला है। बिल्कुल, कि आप एकदम ब्लैंक करके बैठे हैं कि मुझे पता है कोई बात नहीं, वो मेरी चीज है, और सर जो बता रहे हैं उसको और सुनते चले गए, फिर यही एक लर्निंग की डेफिनेशन है।